अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो 2 दिन से घर बैठे हुए हम बोर हो गए थे, तो आज हमारा प्रोग्राम बनाया कि कहीं बाहर निकला जाए तफरी के लिए। तो अभी मैं रेडी हूँ, बस जूते रह गए, जूते पहनते हैं और दोस्तों का कॉल आ गई है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अभी जाते हैं। अभी हम जाने के लिए तैयार है। अब यही सोच रहे हो ना कि ये पार्क गया था? हाँ, मैं पार्क गया था, लेकिन वहाँ पे मनाजर कुछ इस तरह के थे कि यहाँ वहाँ बंदा था ना, बंदे की जात थी, और पार्क बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। कोई वैसे धूप तेज बहुत थी, हम चले गए थे जल्दी ताकि फैमिली टाइम से पहले हम जाके वहाँ पे अपना व्लॉग बना सकें, लेकिन उन्होंने फिर हमें कह दिया कि ये भाई ये फैमिली पार्क है तो आप यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन इनकी फेसबुक पे पोस्ट थी कि फैमिली जो टाइम है वो 4 बजे है, आप 9 से 4 बजे तक जब मर्जी आ सकते हैं। हम गए थे तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे, तो पार्क में है भी कोई नहीं था, तो इन्होंने फिर भी हमें कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, ये तो फैमिली पार्क है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई फेसबुक पे आपने पोस्ट की थी, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई वो तो 2 दिन के लिए थी। बताएं आप ये 2 दिन की होती है, 2 दिन तो वैसे कुर्बानी करवाने को लग जाते हैं, तीसरे दिन बंदा फ्री होता है तो आता है आपके पास। लेकिन इन्होंने बड़ा मायूस किया हमें, तो खैर हम वापस आ गए हैं घर। तो अभी सीन कुछ ऐसे हैं, इससे पहले से बात करी है, तो अभी देखते हैं सब लगा के ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती, और इसे साफ करते हैं अभी। तो मैं अभी इसे सब लगा के देखता हूँ कि ये चलती है कि नहीं चलती।
क्योंकि हफ्ते से ऐसे करी रही है तो उसकी बैटरी बैठ गई है, तो अभी धक्का लगा के उसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं बंदा ढूंढता हूँ बाइक से, बाइक राइड करके मैं आ गया हूँ। धक्का लगा के स्टार्ट की थी बाइक, तो स्टार्ट हो गई थी पहले धक्के में ही तकरीबन। तो अभी मुझे फ़ोन आया कि ताया बुके का टिक्के बन रहे हैं, तो बुला रहे थे। मैं कहा चलो जाके टिक्के देखते हैं कैसे बना रहे हैं वो भी। तो अभी छत पे होंगे मेरे ख्याल से, मैं अभी छत पे जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि कैसे टिक्के बनाए जा रहे हैं, कौन से टिक्के बना रहे हैं, बनाने शुरू कर दिए हैं कि नहीं। तो दरवाजे को लगा हुआ ताला, तो मैं अभी चाबी लेके आता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। चाबी मैं लेके आ गया हूँ, अभी ताला खोलते हैं और फिर जाते हैं देखते हैं कैसे टिक्के बना रहे हैं। अभी तक कोयले को आग ही नहीं लग रही है, हवा चल रही है थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता से, तो आग नहीं लग रही है अभी कोयले को। दो तीन दफ़ा ट्राई कर लिया, अभी आखिरी ट्राई कर रहे हैं, आखिरी तो नहीं लेकिन अभी जो ट्राई कर रहे हैं इसमें उम्मीद है चंगाड़ियाँ वगैरह उठ रही हैं, आग लग जाएगी। हवा दी जा रही है कोयले को तेज़ तेज़ तेज़, अब लग गई है मेरे ख्याल से आग, आग लग गई। मसाला वगैरह आ गया था, कबाब वगैरह हमने सीखों पे लगा लिए हैं, तो अभी ये पक रहे हैं। मुझे पकाने नहीं आते, मेरे भाई को आते हैं, वो तो मसाला भी उन्होंने तैयार किया घर पे, तो माशाल्लाह पर हम मज़ेदार मसाला तैयार करते हैं, वो बड़ा अच्छा मसाला तैयार करते हैं। ये चिकन के कबाब नहीं है, ये बीफ के कबाब है, आप देख सकते हैं जो बीफ के कबाब होते हैं, मैंने कई मरतबा तजर्बा किया हुआ है, वो लटक जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये गिरनी रहे ऐसे हैं कि जैसे अल्फी से साथ चिपका दिए हों। आग की जो तपश है ना, वो बस मेरे चेहरा आप देख सकते हैं कैसा हो गया आग के पास बैठ के, तो अभी मैं उठने लगा हूँ, तो ये जिनका काम है उन्हीं को साझे, तो मैं अभी उठने लगा हूँ। ये है जी हमारा मिक्सचर, तो बताते हैं रेसिपी क्या है इसकी। ये हमने इसको कीमे को ना तकरीबन 7-8 मरतबा ना कीमे की जो मशीन है उसमें से निकाला है। इसमें प्याज है, हरी मिर्च है, और इसके साथ जो दादरी मिर्च होती है वो डाली गई है, सुरख मिर्च है, और इसमें लहसुन है, अदरक है, इसके अलावा इसमें जो सूखा धनिया है वो है, और इसमें ज़ीरा है, काला ज़ीरा है, गरम मसाला है, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स की हैं। मिक्स करने के बाद इसमें चर्बी ऐड की है, चर्बी ऐड करने के बाद तकरीबन 5-6 मरतबा इसको हमने कीमे वाली मशीन से निकाला है, जो बारीक जाली होती है ना वो कीमे वाली मशीन की, उसमें से हमने 6-7 मरतबा कीमे को निकाला है, उसके बाद ये मिक्सर तैयार हुआ है, और इसको तकरीबन हमने 2-3 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया था, और उसके बाद हमने ये इसके जो कबाब है वो लगाए। आज की वीडियो यही तक थी, तो मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें,
ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँ। तो आज की वीडियो यही तक, अल्लाह हाफिज़।